वेलकम टू डे 3। आज हम जा रहे हैं गणपतिपुळे। ये है कोस्टल रोड, ये बहुत सुंदर है। आप अगर इधर आए तो इधर जरूर रुकना। हम भी यहाँ पर रुके थे फोटो शूटिंग के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं गणपतिपुळे। यहाँ बहुत क्राउड थी तो यहाँ पर लाइन में आप गणपति बप्पा जी का दर्शन स्क्रीन पर भी ले सकते हो। यहाँ पर एग्जीबिशन था तो हमने यहाँ पर शॉपिंग की। बीच पर भी बहुत भीड़ थी और यहाँ पर बहुत सारी राइड्स है। मैंने भी कुछ राइड्स की और एंजॉय किया। फ्रेंड्स, हम गणपति का दर्शन लेके बाहर मार्केट में आए थे और हमको पता चला यहाँ पर बिल्कुल रेंज नहीं। तो आप ये सोच कर मत आना कि यहाँ पर आपको जीपे या फोन पे मिलेगा। आते वक्त कैश लेके आना और यहाँ के सारे एटीएम्स बंद भी हैं। अभी हम प्राचीन कोंकण म्यूजियम आए हैं। यहाँ पर आपको कोंकण के लोगों की लाइफस्टाइल और कोंकण की हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने कोंकण की रचना की थी। ये उनकी मूर्ति है। यहाँ पर कई वाइल्ड एनिमल्स के स्टैचूज हैं और स्पाइस गार्डन है।
आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगभर अशी प्रथा आहे की प्रत्येक धर्माचे लोक देवळात जातात, देवाचं दर्शन घेतात. कोकणी माणसं सुद्धा देवळात जाऊन देवाचं दर्शन घेतात. पण जेव्हा पटेल शिमग्याचा सण येतो तेव्हा हा देव पालखीमध्ये बसून प्रत्येकाच्या घरोघरी निघतो. म्हणजे कोकणी माणूस आणि देव त्यांचं नाते इतक्या जवळचं आहे की आमचे एकमेकांना जाणीवेणी असते. ह्या देवीचं नाव वाघजाई आहे, हे ना आम्ही जाणीवपूर्वक ठेवलंय. असं म्हणतात की ज्या निसर्गात वाघ असतो तो निसर्ग समृद्ध असतो. 500 वर्षापूर्वीचा निसर्ग सुद्धा असं समृद्ध होता. त्याला आमच्या भावविश्वामध्ये दैवताचं स्थान होतं. कोकणी माणसं वड पिंपळ यांची पूजा करतो. ते आपण निसर्गपूजक माणसे आहोत. म्हणून या देवीचं नाव सुद्धा प्रत्यक्ष निसर्गाशी संबंधित असते. बघ जाईल इस स्टोर में आपके साथ एक गाइड होते हैं जो सारी जानकारी देते हैं. उन्होंने हमें गांव में पुराने टाइम में जो 12 बलूतेदार सिस्टम होता था उसके बारे में बताया. यहाँ पर शंखों का प्रदर्शन भी है. प्राचीन कोकण म्यूजियम गणपतिपुळे का एक मस्ट विजिट प्लेस है. आप यहाँ टाइम निकालकर जरूर आना. Thank you.
हमारी ट्रिप आरेवारी बीच पर एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।